आपके दर्शक को मैं अजय दीक्षित तरफ से प्रणाम। हमारे मित्र हैं संजय भूषण जी, हमारे पीआरओ हैं, हमारे फिल्म के पीआरओ हैं, तो उनका मुझे कॉल आया कि जो है अजय शुक्ला जी का ऑफिस का इनोग्रेशन हो रहा है, आप आ जाइए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ उनको बधाई देने के लिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और अच्छा ऑफिस खुल रहा है, जिसके माध्यम से काफ़ी प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर जैसा जानने को मिला है कि वो फाइनेंस करने वाले हैं या फाइनेंस एज ए फाइनेंसर आ रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ है कि वो सक्सेस हों और काफ़ी अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में फाइनेंस करें। इसके अलावा आपकी एक नई फिल्म आ रही है बाहुबली, उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी हाँ, एक्चुअली काफ़ी मीन्स हमारी पहली मूवी थी जो बेटवा बाहुबली, जो कि बहुत ही चर्चित और ब्लॉकबस्टर मूवी थी। बाहुबली सब जो है वो हम लेके आए थे इंडस्ट्री में, पहली फिल्म हमारी बाहुबली थी, बेटवा बाहुबली। उसके बाद फिर और भी भोजपुरी बाहुबली आई, सीरियल आया, फिर साउथ की फिल्म बहुत बड़ा ह्यूज पिक्चर आया जो है, तो उसका पार्ट टू हम लेके आ रहे हैं, जो कि 21 अप्रैल को पूरे बिहार झारखंड में कुछ करीब 70 प्लस सिनेमा हॉल से डॉक्टर सुनील साहब जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं हमारे पिक्चर को, जिसका अभी ट्रेलर रिसेंटली 29 मार्च को वीनस ने लॉन्च किया है और आज ही ऑडियो उसका आया जो है, और अप्रॉक्स 28 के आसपास जो है हमारी मुंबई में आएगी पिक्चर जो है। तो मैं भी काफ़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुत मीन्स एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो पहली बाहुबली थी उससे बहुत बड़ी मूवी है, तो बस मीन्स प्रे टू गॉड कि अच्छा हो, और जो काम किया है, मेहनत किया है, तो हमारे ऑडियंस लाइक करे उसको। कितनी तैयारी की थी इस फिल्म के लिए आपने? एक्चुअली एज एन एक्टर हर फिल्म की तैयारी होती है, न कि ये फिल्म जो है, हाँ, बट ये एक स्पेशल फिल्म है बिकॉज इस फिल्म से मेरी पहचान बनी थी, इस फिल्म से मैं इंडस्ट्री में आया था। मेरी जो परिचय भी है वो बाहुबली एक्टर के रूप में परिचय है, जहाँ अजय दीक्षित मतलब बाहुबली माइंड में आता है ये। और इस फिल्म से मुझे बेस्ट न्यूकमर एक्टर का अवार्ड मिला था, यूपी गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था, तो काफ़ी मीन्स मान सम्मान प्रतिष्ठा इस फिल्म के माध्यम से मिला था ये। और अपने आप में टाइटल ही ब्रांड है, जिसकी वजह से आज जो है वीनस कम म्यूजिक कंपनी जो कि भोजपुरी नहीं लेती है, जैसे हमने लॉन्च किया था, मुहूर्त किया था, वहाँ से कॉल आया कि पहली बाहुबली मैंने लिया है, तो ये भी आप मुझसे बार मिल लीजिएगा। डॉक्टर सुनील साहब, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पहली फिल्म हमारी वो करने जा रहे हैं जो है, बहुत ह्यूज और बहुत ग्रैंड रिलीज करने जा रहे हैं जो है, तो अच्छे अप्रोच हैं, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है म्यूजिक कंपनी से, डिस्ट्रीब्यूशन से। यूट्यूब पर जो ट्रेलर आया है हमारा, वो काफ़ी मीन से अप्रिशिएट हो रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं जो है, तो काफ़ी उम्मीदें हैं, बट देखते हैं अभी दो वीक की बात है। उसके बाद हमारी मूवी जा रही है, ये आएगी ईद पे जो है, शंकर सुल्तान, जिसका रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये नैनीताल उत्तराखंड में शूट होगा, और जो कि ये नेक्स्ट मंथ जा रही है 4th पे जो है, तो दैट्स शंकर सुल्तान सेकंड मूवी। पहली बात तो मैं मेरे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ, प्रणाम। मैं रितु पांडे एक बार फिर से आप सभी के सामने रूबरू हो रही हूँ। आज मैं इस प्रोडक्शन हाउस जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में शुक्ला जी, दुबे जी और चतुर्वेद जी खोल रहे हैं, सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को पता चले कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कुछ नया, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। वैसे तो आप सभी लोग मेरी फिल्मों से परिचित होंगे, मेरी फिल्म हिट रही है साजन चले ससुराल, गवनवा ले जा रहे, 100 के करीब मैंने फिल्में की, और हर एक किरदार में मैं आपको अलग अलग रूप में नज़र आई हूँ, और मुझे आगे करने के लिए मेरे दर्शकों का, मेरे डायरेक्टर का, प्रोडक्शन हाउस का बहुत बड़ा हाथ है। और यही कहना चाहती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, नए कलाकार आ रहे हैं, हम जैसे कलाकार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे। बस ये है कि कहानी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, जो कहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते तो जाहिर सी बात है फिल्मी स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। तो दर्शकों, आप हमेशा इंतज़ार करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कुछ नयापन आए, तो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी कि नयापन क्या होता है। मेरी आने वाली फिल्में के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी फिल्म है बाबरी मस्जिद। जी हाँ, बाबरी मस्जिद, जो अपने आप में टाइटल ही उसका यूनिक है। उसके बाद मेरी फिल्म आएगी निरहुआ चले ससुराल पार्ट 2। बिल्कुल देखिए, मैं आपको हर बार एक बात कहती हूँ कि मैं हमेशा नए रूप में आना चाहती हूँ, और निरहुआ चले ससुराल 2 में आप मुझे खलनायिका के रूप में, यानी कि वैम्पिश रूप में देखेंगे। और मेरी तीसरी फिल्म है, वो है ससुराल राजकुमार पांडे जी, और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, यहाँ के टीम को, यहाँ के प्रोडक्शन हाउस को। थैंक यू सो मच, लव यू। ओके, थैंक यू।
रोल 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 हम बोल रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे नए प्रोडक्शन हाउस का शुरुआत हुई, किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं भाई पूर्वांचल पूर्वांचल के तरफ से, उत्तर प्रदेश के तरफ से अजय कुमार शुक्ला जी को और पूरे उनके सहयोगियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हिंदी जगत में जो पूर्वांचल का जो भोजपुरी का जो मूवमेंट या जो आंदोलन या जो विकास हो रहा है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही एक बहुत उपलब्धि है। यही हमारे उत्तर प्रदेश के तरफ से, बिहार के तरफ से, भोजपुरी इलाके के तरफ से, पूर्वांचल के तरफ से मैं पूरे उनके यूनिट के, उनके सहयोगियों को, अजय कुमार शुक्ला जी के लोगों के, विशेष रूप से आप हमारे चैनल के सहयोगियों को, महुआ के चैनल के और सारे यहाँ के जो अन्य जो दूरदर्शन है, जो चैनल है, उसको मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका सहयोग मिले कि भोजपुरी का विकास हो और भोजपुरी फिल्में जो चलचित्र पर जो देखने को मिल रहा है उसके कई उदाहरण हैं, उससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि समय भोजपुरी पिक्चर देखने की मेरे ख्याल से करीब करीब 8 से 10 करोड़ लोग इस चैनल को, इस भोजपुरी के पिक्चरों को लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से अब मैं देख रहा हूँ कि यूपी और बिहार में और बड़े शहरों में, आप चाहे लखनऊ ले लीजिए, चाहे दिल्ली के भी कुछ इलाके में ले लीजिए, चलचित्र पिक्चर हॉलों में भी भोजपुरी इलाके के पिक्चर बहुत ज़ोर शोर से दिखाए। और मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होगी, कोई वो नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, वह हम एक समय अब आ रहा आ गया कि वह सिल्वर जुबली भी हम भोजपुरी पिक्चरों को बनाने का, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अजय शुक्ला ने जो प्रोडक्शन हाउस खोला है, इसमें मैं इनको शुभेच्छा देता हूँ कि इनका प्रोडक्शन हाउस आगे बढ़े और कम से कम भोजपुरी की का सम्मान करते हुए जो बल्गर फिल्में भी भोजपुरी में बन रही हैं ये ना बनाएं, भोजपुरी का सम्मान करें, भोजपुरी को एक उचित और ढंग की फिल्में बनाएं और उचित जगह दें जिसको पूरा पूर्वांचल, पूरा भोजपुरी, हिंदी भाषी भी इसको देखें और इसको सम्मान की नज़र देखें। भोजपुरी का स्तर आजकल बहुत लोगों ने गिरा दिया है, तो मेरी यही ख्वाहिश है अपने भाई से, इनकी वृद्धि हो, ये आगे बढ़े और अच्छी फिल्में बनाएं जिसका जिसकी तारीफ। सर आप क्या कहना चाहिए? सर आपसे सवाल है, भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने का सबसे बड़ा हाथ संजय भूषण जी का भी है, इनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? ये बहुत बड़े प्यार भाई, इनके लिए मैं समझ रहा हूँ कि इनका जो योगदान है और आज जो चर्चाएं जो हो रही है, चाहे रवि किशन जी की, चाहे मनोज तिवारी जी की, या आपके राकेश पांडे थे हम लोगों के समय में, ये सारे लोग जिस तरह के डेवलप हुए हैं और उसमें इनका एक नए में मैं समझ रहा हूँ कि इनका काफ़ी योगदान है। मैं इनको भाई ढेर सारी शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ कि भाई आने वाले उद्योग में इसको आप बिल्कुल साफ सुथरा और आने वाले समय में नौजवानों के एक आप दर्शक रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में आप विकास करेंगे, ये हमारी शुभकामना है और यही मुझे विश्वास है कि आप इसमें विकास करेंगे। जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी आए और वो ताबड़तोड़ बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं, तो वो क्या लग रहा है एक्शन जो ले रहे हैं, बहुत सही आपको क्या लगता है वो जो एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए अभी तो हम यही कहेंगे कि कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं, निश्चित रूप से उनको साल भर अभी सब कुछ देखने का मौका दिया जाए और साल भर के बाद ही हम उनके कार्यों पर कोई टीका टिप्पणी करेंगे। अभी मुझे उम्मीद है कि जो जनता का विश्वास उनको मिला, 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उनको अपार बहुमत और स्नेह दिया है, उनका मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वह उस पर डेवलप में उसमें योगदान करेंगे और उनके एक विचार है, वह विचार को मैं भी बहुत